हाउ टू बिकम स्नाइपर प्रो प्लेयर। फ्री फायर में बेस्ट स्नाइपर बनने की 5 सीक्रेट सेटिंग्स और प्रो ट्रिक्स आज आपको देने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप किसी भी प्रो प्लेयर को वापस लॉबी में भेज सकते हो। हेलो माय यूडी फैमिली, दिस इज योर होस्ट एरो आईबी एंड हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। टिप नंबर 1, करेक्ट कस्टम एचयूडी। ये सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। अगर आपको अपनी स्नाइपर की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल करना है तो 2 फिंगर से काम नहीं चलेगा, आपको 3 फिंगर कस्टम एचयूडी भी खेलना ही पड़ेगा। एसॉल्टर रशर 2 फिंगर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन स्नाइपर को अपने पीक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए 3 फिंगर कस्टम एचयूडी यूज करना पड़ेगा। तो मैं भी 3 फिंगर पे ही खेलता हूँ, इसीलिए अपना ओल्ड और न्यू कस्टम एचयूडी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बीच में आप लोग ये पिन मार्कर को रख सकते हो। अपने कस्टम एचयूडी में मैं स्विच बटन और रीलोड बटन को एक के ऊपर एक रखता हूँ, जिससे जब मेरे पास सिंगल स्नाइपर होती है मैं स्विच बटन को ऑफ कर देता हूँ और रीलोड को ऑन, जिससे सिंगल स्नाइपर भी मैं इस तरह चला सकता हूँ। और जब मेरे पास डबल स्नाइपर होती है तो रीलोड बटन को ऑफ करके स्विच बटन को ऑन कर देता हूँ, जिससे मैं सेम ट्रिक से डबल स्नाइपर भी चला लेता हूँ। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि एक बार यहां से स्विच करना होता है ताकि स्विच बटन वर्क कर सके। ध्यान रहे, बार बार कस्टम एचयूडी चेंज करना भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपका गेम प्ले खराब हो सकता है। इसीलिए अपना एक परफेक्ट कस्टम एचयूडी सेलेक्ट करो और उसी पे ग्राइंड करो, उसी पे प्रैक्टिस करो, ताकि जब आपकी फाइट हो तो आपको प्रेशर ना लेना पड़े। टिप नंबर 2, करेक्ट सेंसिटिविटी। स्नाइपर प्लेयर अक्सर सेंसिटिविटी गलत रख लेते हैं, जिससे वो क्लोज रेंज में तो ठीक ठाक खेल लेते हैं लेकिन लॉन्ग रेंज में उनका एम लगता ही नहीं, और वो इसीलिए क्योंकि वो सेंसिटिविटी को हाई रखते हैं। स्नाइपर प्लेयर को स्नाइपर सेंसिटिविटी को लो रखना है, जिससे लॉन्ग रेंज में एम शेक ना हो और अच्छी तरह से आपके कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ जनरल सेंसिटिविटी को भी ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि लो जनरल सेंसिटिविटी रख के ये पिन मार्कर की हेल्प से लॉन्ग और शॉर्ट रेंज में एनिमी पे निशाना लगाना आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी स्नाइपर सेंसिटिविटी को 40 रख लेना है और वहां से स्टार्ट करना है, और ट्रेनिंग ग्राउंड में चेक करना है क्या आप इस सेंसिटिविटी में लॉन्ग और शॉर्ट रेंज दोनों में अच्छी तरीके से एम कर पा रहे हो या नहीं। अगर सेंसिटिविटी आपको थोड़ी कम लग रही है तो उसको 45 करना है, मतलब 5 सेंसिटिविटी बढ़ा देना है, और इस तरह से आपको अपनी बेस्ट स्नाइपर की सेंसिटिविटी मिल जाएगी। टिप नंबर 3, जानने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। तो 2 मिलियन सेलिब्रेशन के मौके पे हम लोग एक स्पेशल टूर्नामेंट करा रहे हैं आप सभी के लिए। ये टूर्नामेंट एक सोलो टूर्नामेंट होने वाला है और इसमें जो जीतेगा उसको एक मोबाइल फोन मिलेगा, डायमंड नहीं, बंडल नहीं, सीधा मोबाइल फोन, जिससे आप अपनी ई स्पोर्ट जर्नी भी शुरू कर सकते हो। टिप नंबर 3, लॉन्ग रेंज प्रैक्टिस। अब आपने कस्टम एचयूडी और सेंसिटिविटी के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आपको एक स्पेशल टास्क करना है, और अगर ये कर लिया तो समझ लो 50% आप प्रो स्नाइपर बन चुके हो। तो इसके लिए ट्रेनिंग में जाके शूटिंग एरिया में आना है, फिर बॉट्स की सेटिंग में जाके HP अनलिमिटेड करना है, डिस्टेंस बढ़ा देना है और बॉट क्वांटिटी 1 कर देना है। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर आके सामने भाग रहे बॉट पे एम करना है, और जब वो यहाँ से वापस निकले तो इस तरह से बैक टू बैक 4 शॉट्स मारने हैं। और हाँ, अगर आप ये कर लेते हो तो इसका वीडियो बना के मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कर सकते हो, arrowgaming.ig। टिप नंबर 4, अगर आप स्नाइपर हो तो याद से ये सेटिंग जरूर ऑन कर लेना, जो होने वाली है स्मार्ट ग्लू वॉल। इस सेटिंग से जैसे ही आप फायर बटन प्रेस करके वॉल बटन प्रेस करोगे, वॉल लग जाएगी। इससे फायदा ये है कि एक तो एम करने के बाद कैमरा मूव नहीं करना पड़ेगा, जिस वजह से नेक्स्ट एनिमी पे फोकस करने में आसानी होगी और आप लोग अच्छी तरीके से क्लच कर सकते हो और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। तो टिप नंबर 5 बहुत ज्यादा काम की और मेरी फेवरेट होने वाली है। वो जानने से पहले, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एरो गेमिंग को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लो, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस भी देख सको। टिप नंबर 5, फास्टेस्ट क्राउच शॉट। इसमें हम लोग को किसी चीज का कवर लेके क्राउच पोजीशन पे रहना है और इस तरह से 3 फिंगर से एनिमी को शूट करना है। सीक्वेंस बड़ा सिंपल है, क्राउच, शूट, स्विच, क्राउच। और अगर 3 फिंगर में इस तरह से आप ये ट्रिक यूज करोगे ना, तो एनिमी आपको मार ही नहीं पाएगा। इसमें ये जो पिन मार्कर है, इसको एनिमी के नीचे सेट करना है क्राउच करते हुए, और फिर इस तरह से शॉट कनेक्ट कर देना है। ये ट्रिक सीखने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप मेन गेम में इस ट्रिक को काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। 1 जुलाई को शाम 7 बजे हमारा जो 2 मिलियन सेलिब्रेशन का टूर्नामेंट है वो शुरू हो रहा है, तो उसमें जो विनर होगा उसको एक मोबाइल फोन मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों को ये बात जरूर बता देना, ताकि वो भी एरो गेमिंग को आके सब्सक्राइब करें और उस टूर्नामेंट में हिस्सा जरूर लें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लेना। और इसी के साथ मेरा नाम है एरो आईबी, मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ।